आप सभी का स्वागत है चैनल के एक और नए वीडियो में। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए बहुत सारे अपडेट्स हैं, खास करके यहाँ पे इलाइट मोको से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाले गेम के अंदर, वो सारी चीज दिखाऊंगा। और गाइस, यहाँ पे एक नया चीज पता चल रहा है जो कि हमारा अपकमिंग नया कैरेक्टर थीवा को लेके, वो भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। वीडियो जरूर एंड तक देखना, कहीं पे स्किप मत करना, क्योंकि हर पल कुछ ना कुछ नया अपडेट्स आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेगा। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। और गाइस, एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस चैनल को पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपके फोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप हमेशा फ्री फायर से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले ले सको। तो चलो गाइस, फिलहाल जो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस ओबी अपडेट के बाद इलाइट मोको गेम के अंदर आया हुआ है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, बाकी सारे इलाइट कैरेक्टर जितने भी आए थे उनके लिए कोई अलग सा आइटम्स नहीं आया हुआ था गेम के अंदर, बट गाइस इलाइट मोको के लिए ढेर सारे आइटम्स गेम के अंदर आने वाले, जो कि आप लोगों को कुछ दिन बाद देखने के लिए मिलेगा। मे बी 4th एनिवर्सरी के टाइम पे भी देखने के लिए मिल सकते लाइट मोको। तो गाइस कुछ भी हो सकता है। और गाइस चलो फिलहाल हम लोग सारे आइटम्स देख लेते हैं। गाइस आई होप आप लोगों ने इलाइट मोको का लुक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोगों को इलाइट मोको का लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इलाइट मोको देखने में कैसा है। तो काफी जरा मैच्योर जैसा फील आ रहा है इलाइट मोको को देख के, मतलब यहाँ पे लग रहा है थोड़ा एज बढ़ चुका है, ऐसा दिखा जा रहा है यहाँ पे। और बाकी अगर देखोगे एनिमेशन कलर तो भाई भर भर के डाल दिया गया है, बहुत सही लग रहा है देखने में लुक वाइज। तो गाइस आप लोग जरूर बताना सबसे पहले तो आपको इलाइट मोको का लुक कैसा लगा है। बाकी गाइस जो आइटम्स है वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। हमारा दूसरा आइटम है स्काई विंग, जो कि कोई यूज नहीं करता है, उसका भी यहाँ पे स्किन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दे दिया गया है। इलाइट मोको के थीम के ऊपर बेस है और कलर देख सकते हो पर्पल रखा गया है और काफी सही लग रहा है देखने में ऐसे लुक इसका। उसके बाद एक पैराशूट का स्किन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसके ऊपर आप मोको का पिक्चर साफ साफ देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है आपको बाइक का स्किन, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, एनिमेशन बहुत सही है। एक छोटू सा अवतार आपको देखने के लिए मिलेगा इलाइट मोको का। उसके बाद गाइस पहली बार फ्री फायर के अंदर आप लोग देख सकते हो बैज दे दिया गया है कोई इलाइट कैरेक्टर का, जो बैज आप लोग लगाते हो प्रोफाइल में। जी हां गाइस, ये वही चीज है। तो ये भी यहाँ पे दे दिया गया इलाइट मोको का, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। सर्ट बोट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सर्ट बोट कैसा लग रहा है, एनिमेशन वगैरह सारी चीज बहुत अच्छा है। मतलब लग नहीं रहा है कोई इलाइट कैरेक्टर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई नया कैरेक्टर आ रहा है, सारे आइटम्स दे रहे हैं ना। तो मतलब इलाइट मोको को काफी सही से साथ ला रहा है गेम के अंदर। और गाइस यहाँ पे कैसा लग रहा है सारी चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऑक का स्किन, और एक लेजेंडरी ऑक का स्किन है गाइस। आप लोग को बताऊं, ऊपर देख सकते हो किल फीड में नाम आ रहा है, तो गाइस ये लेजेंडरी चीज है। बैट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये भी एक लेजेंडरी बैट का स्किन है, देख सकते हो एनिमेशन दे दिया गया है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। मोको का पिक्चर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और गाइस इसके बाद अगर बात की जाए तो एक स्पैश 12 का स्किन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये भी एक लेजेंडरी स्पैश 12 का स्किन है गाइस। एनिमेशन है इसके अंदर और लुक बहुत अच्छा दे दिया गया है। और गाइस ये सारी चीज कैसे मिलेगा फिलहाल कोई भी चीज पता नहीं चला, बट हाँ अपकमिंग टाइम पे जरूर पता चल जाएगा ये भी। गाइस यहाँ पे पैन का स्किन भी आप लोग देख सकते हो, लेजेंडरी पैन का स्किन दे दिया गया है मोको। इसके ऊपर पिक्चर आप लोग देख सकते हो, ये गाइस एक ग्रेनेड का स्किन है, जो कि आप लोगों को मोको के थीम के साथ मिले, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत छोटा सा नेड लग रहा है देखने में। तो गाइस ये बहुत अच्छा लगा। इमोट गाइस यहाँ पे देख सकते हो, इलाइट कैरेक्टर का इमोट यहाँ पे आप लोग देखो गाइस कैसा यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है मोको का काम कैसे है, वैसे ही यहाँ पे इमोट दे दिया गया, लाइक प्लेयर्स ढूंढने वाला, तो ये ड्रोन छोड़ता है और प्लेयर्स ढूंढता है, ऐसा कुछ यहाँ पे एनिमेशन रखा गया है। और जैसे यहाँ पे मिल जाता है किसी को भी मार सकता है मोको, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस इमोट के अंदर। तो ये भी बहुत सही चीज है, एक नया चीज देखने के लिए मिल रहा है गाइस। अभी इतने में खुश मत हो गाइस, एक और कमाल का चीज देखने के लिए आपको मिल रहा है, जो कि है यहाँ पे आपका लैम्बोर्गिनी का स्किन। और ये कोई ऐसा वैसा लैम्बोर्गिनी का स्किन नहीं है गाइस, ये काफी अच्छा लुक वाला लैम्बोर्गिनी का स्किन है, और देख सकते हैं इसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा है। इसके बाद गाइस आप लोगों को मिल रहा है साइट का स्किन, जी हाँ गाइस एक लेजेंडरी साइट आप लोग देख सकते हो, इसका एनिमेशन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में इसका लुक। तो ये सारे चीजें गाइस आपको मिलेगा इलाइट मोको कैरेक्टर का थीम के ऊपर बेस है। बट एक चीज मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा घूम रहा है, जो कि गाइस जय का ब्लू वॉल, आप लोगों को पता होगा जय कैरेक्टर जब आया था उसका ब्लू वॉल भी आया था, बट वो हम लोगों को बहुत बाद मिला, मतलब हाल फिलहाल में मिला है, तो काफी दिन बाद मिला था। पता नहीं ये सारी चीजें हम लोगों को कब तक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में अपना ओपिनियन बताना। एक चीज जरूर आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इलाइट मोको जो है गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा एक कैरेक्टर होने वाला है। आप लोगों को पता नहीं है तो बता दूं, 11 सेकंड तक आपका एनिमी सामने वाले का लोकेशन दिखाएगा अगर आप उसको हिट करते हो, तो मतलब काफी ज्यादा अच्छा
कैरेक्टर यहाँ पे होने वाला है, तो आप लोग जरूर इलाइट मोको को यूज करना और आते ही ले लेना ताकि आप लोगों को फायदा मिले इसका, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं हम लोग की नेक्स्ट इवेंट के बारे में, जो कि गाइस आप लोगों को पता है 4th एनिवर्सरी रिलेटेड एक न्यूज सामने आ रहा है और ये न्यूज काफी हद तक सच भी हो सकता है। पहले आप लोगों को बोल दो गाइस ये कंफर्म फिलहाल तो नहीं हुआ है, बट हाँ ये काफी अच्छा बोल सकते हो कि एक न्यूज है जो कि हो सकता है आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए। तो गाइस जो 4th एनिवर्सरी हमारा होगा उसका पीक डे होगा। गाइस आप लोगों को पता है हर एक इवेंट के अंदर एक पीक डे आता है जिस दिन हम लोग कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, तो इस 4th एनिवर्सरी का पीक डे होगा 28 अगस्त को, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 28 अगस्त को बोला जा रहा है आप लोगों को थीवा कैरेक्टर, जो दो न्यू कैरेक्टर आप लोगों को देखने के लिए मिला है गेम के अंदर, एक है दिमित्री और एक है थीवा। तो जो थीवा कैरेक्टर है गाइस वो आप लोगों को फ्री में देखने के लिए मिल सकता है, मींस कुछ इवेंट कंप्लीट करके, कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, छोटा सा इवेंट होगा, मिशन दिया जाएगा, वो कंप्लीट करके मिल सकता है गाइस ऐसा बोला जा रहा है। और गाइस ये जो है अभी आप लोगों को फिलहाल कंफर्मेशन के साथ मैं नहीं बोल सकता हूँ, बस ये न्यूज काफी मुझे सही लगा आप लोगों को बताना जरूरी इसलिए बता दिया। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं क्या ये न्यूज 100% कंफर्म हो पाता है या नहीं। बाकी गाइस जितना लग रहा है कि ये सच होगा, क्योंकि थीवा कैरेक्टर उतना भी कुछ खास एबिलिटी के साथ नहीं आ रहा है। जो दिमित्री कैरेक्टर है उसका एबिलिटी थोड़ा अच्छा है इससे, बट थीवा का कुछ खास नहीं है, तो ये फ्री में मिलने वाला कैरेक्टर बन ही सकता है। तो देखते हैं गाइस, हम लोगों को उस दिन और वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही कुछ इसके बारे में अपडेट मिलता है, फर्दर कंफर्मेशन मिलता है, मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस के अंदर अपडेट करूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप देख सको। और गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप एंजॉय करते हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो, शेयर किया करो दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में खास करके अपना ओपिनियन दिया करो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। और गाइस इस वीडियो के अंदर इतना इन्फॉर्मेशन था, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।